तो 8 सितंबर का वो काला दिन 7 साल के मासूम के परिजन कभी नहीं भूल पाएंगे जब मासूम प्रद्युम्न को खो दिया गया था। 16 साल 5 महीने का आरोपी इस मामले में है, जो कि उसी स्कूल के 11वीं कक्षा का छात्र बताया गया है। सीबीआई जांच में सामने आया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा कि बालिग माना जाएगा, अपराधी जो होगा इस मामले का, आरोपी जो होगा उसका मुकदमा जो है बालिग समझ के फिर आगे चलेगा, फिर मामले की जांच भी होगी, सुनवाई भी होगी, लेकिन मासूम प्रद्युम्न वापस नहीं मिलेगा। बाकी कोई बच्चा प्रद्युम्न ना बने, इसके लिए सरकारें क्या कर सकती है, सिस्टम क्या कर सकता है, समाज क्या कर सकता है और कानून में क्या गुंजाइश है, इसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं और चर्चा में आगे बढ़ेंगे। गुरिंद्र पाल सिंह जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या संभव ऐसा है, कानून में क्या ऐसी गुंजाइश है कि जो बच्चे इस तरह के हैं, इस तरह का अपराध जो करते हैं, उनके लिए सजा में क्या प्रावधान है जिसके चलते सजा का खौफ भी हो, कानून का खौफ भी हो? सजा का प्रावधान आपको बताया है कि रिफॉर्मेटरी बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बनाया गया है 2000 में बना था पहले भी, और अब जो उसमें अमेंडमेंट भी करी, उसके बावजूद तो बेसिक चीज़ है कि ये जो जिस समाज में, जिस सोसाइटी में आजकल हम रह रहे हैं, उस सोसाइटी में जो जिस ये जो अपराधों का होना है ना, वो कई बार जिसे हम कहते हैं ना, उस सोसाइटी की देन होती है, उस समाज की देन होती है जिसमें अपराध होते हैं। और अपराध करने वाला यदि कोई शातिर अपराधी है, यदि वो मच्योर है, जो अंडरस्टैंड करता है उस चीज़ को कि अपराध क्यों, अपराध की जो जो उसके कंसिक्वेंसेस है उसको यदि वो अंडरस्टैंड कर रहा है, तो उस अपराधी को एक बच्चे के साथ कभी नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए हमारे उसमें प्रावधान है कि यदि 12 साल से कम बच्चा अपराध करता है तो उसको कोई सजा नहीं है, किसी तरह की कोई सजा नहीं है, वो कत्ल भी करते कोई सजा नहीं है, तो इस या 7 साल से बच्चा कम है तो हम उसके बारे में अलग अलग चीज, हमारे अलग अलग प्रोविजंस है कानून में बनाए हुए, आज से नहीं 100 साल पहले से ऐसे प्रोविजन बनाए हैं ये, क्योंकि अब जिस तरह का सिस्टम 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे अपराधी होते हैं उनके लिए सजा का प्रावधान है, क्या इससे अपराध में कोई बढ़ोतरी होती है? किसी तरह की भी नहीं है, क्योंकि हमें लॉ एक चीज को एक्नॉलेज करता है, उस चीज को समझता है कि उस बच्चे को किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। अपराध के लिए एक बुनियादी चीज है गिल्टी माइंड, यदि आपका मेंस रिया जिसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं, यदि आपका गिल्टी माइंड नहीं है तो वो अपराध नहीं है, एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ नेग्लिजेंस, जिसमें नेग्लिजेंस अपने आप में एक अपराध है, जिसमें गिल्टी माइंड नहीं, जैसे ड्राइविंग का केस है या गलत ट्रीटमेंट का केस है, इस तरह के केसेस को छोड़ दीजिए, तो किसी भी अपराध के लिए एक बुनियादी चीज है गिल्टी माइंड, यदि वो गिल्टी माइंड ने किया है तो इस मौजूदा केस को यदि उसके साथ जोड़े तो ये लगता है कि ये गिल्टी माइंड ने किया है। गिल्टी माइंड के साथ होता है कि उस माइंड के गिल्ट के पीछे मोटिव क्या है, तो कोर्ट उस चीज को लेती है। इस केस में जिस तरह का मोटिव है, उस सारी चीज को देखने के बाद ये लगता है कि इस इशू को सिर्फ कानून के, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कानून के सीमित दायरे में इस इन चीजों का हल ढूंढने से एक व्यक्ति को आप सजा दे देंगे 10 साल की, 5 साल की, लेकिन फाइनली अगला प्रद्युम्न कोई ना अपने माँ बाप को अपने किसी प्रद्युम्न के बिना रहना, अपने बेटे के बिना उसको खोना ना पड़े, उसके लिए जरूरी है कि हम इसको एक लार्जर कैनवास में देखें। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे तय ये किया जाए कि मेजर की तरह पेश आना है, माइनर की तरह पेश आना है किसी भी मामले में? वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो उस बात को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद डिसाइड करता है कि भाई इसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, बच्चे के स्टेट ऑफ माइंड को, उसकी फिजिकल कंडीशन को और उसके मेंटल स्टेटस को देखा जाता है भी, क्या ये उस अपराध को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। उसके बाद फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये तय करता है कि भी इसको एज ए बालिग ट्रीट किया जाए या नाबालिग ट्रीट किया जाए। तो इस केस में भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है उसमें इस ये माना गया कि इसका मेंटल स्टेटस ऐसा है कि भी ये उस अपराध को भी समझता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझता है, तो उसके इसकी फिजिकल कंडीशन भी ऐसी थी तो उसको बालिग माना गया और उसके ऊपर अब बालिग की तरह ही केस चलेगा इन द कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट। अदरवाइज जो जुवेनाइल होते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर उसका केस चलता है जिसमें मैक्सिमम 3 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है अधिकतम। लेकिन राजीव जेटली जी, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि निजी स्कूल का ये मामला रहा, नामी स्कूल का ये मामला रहा, क्या सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि बाकी जो निजी स्कूल है वहां बच्चों को सुरक्षा मिल पाए? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम सरकार के ऊपर सभी एलिगेशन लगा देते हैं जी। हम कहते हैं कि सरकार ने क्या ये सुनिश्चित किया कि निजी स्कूल के अंदर जो अनियमितताएं या इग्नोरेंस बरती जा रही हैं वो अब ना बरती जाए। मैं इससे अलग हटते हुए एक बात बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जब प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पीटीएम होती है, और अभी प्रद्युम्न केस के बाद एक बात निकल करके आई, सभी पेरेंट्स ने एक बात बोली कि हम जब स्कूल में जाते थे तो हमें ये बात की कमी नजर आई,
हमें इस बात की कमी नजर आई, लेकिन एक डर उनके अंदर जो अपने बच्चे को लेकर होता है, कहीं इसका भविष्य खराब ना हो जाए अगर मैं स्कूल के खिलाफ कोई आवाज उठाऊं या कहीं पर रजिस्ट्रेशन करवाऊं या कहीं रजिस्टर्ड रहूं उस बात को, तो उससे मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि वो इग्नोर कर जाते हैं उन बातों को। उन बातों को नोटिस में लाना बहुत जरूरी होता है कि कभी भी आकर आपको ये महसूस होता है। नहीं जनाब, हरियाणा की ही बात कर लें, बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के चलते खिलाफत पे आते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, तालाबंदी भी की जाती है, शिकायतें भी तमाम की जाती हैं, उसके बाद भी बड़ा सुधार कोई देखने को नहीं मिला, क्योंकि आपने कहा कि अभिभावक जो है वो ही शिकायत नहीं करते। जी आपने पीछे भी देखा होगा कि जब प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जब जब अभिभावकों ने आवाज उठाई तो उसके खिलाफ कानून हमारी ही सरकार ने बनाया। क्योंकि इशू इस टाइम प्रद्युमन केस का हो रहा है, तो मैं इसलिए उससे अलग नहीं हटना चाह रहा था। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ कि हाँ, जब भी आपकी नोटिस में ऐसी बात आती है, मैं व्यक्तिगत भुगत भोगी हूँ इस बात में। आपने कौन सा कानून बनाया ये बता दें जी, जेटली जी। एक मिनट, मैं थोड़ी देर बाद की बात। आपने कौन सा कानून बनाया ये बताएं जरा। 2013 के बाद तो कोई स्कूल के ऊपर कोई कानून बना नहीं आज तक। आपने कौन सा कानून बनाया? मैं आपके सभी स्कूलों की चर्चा नहीं करना चाहता जिसमें आपके सारे नेताओं के शेयर होल्डर हैं। मैं अभी मैं आपकी बात कर रहा हूं, ये बात कहां से आ रही है? मैं ये पूछ रहा हूं, आप कहते हैं हमने कानून बनाया, तो आप मुझे बताएं 2013 के बाद कौन सा कानून बना? मैं आपको थोड़ी सी देर के बाद इस पे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं अभी अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता इस प्रकार की बात। मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हम रजिस्टर करवाएं अपनी कंप्लेंट को। जब भी कोई बात बच्चे या अभिभावक महसूस करते हैं स्कूल के अंदर इग्नोरेंस हो रही है, उस बात को कंसर्न्ड ऑफिसर को रजिस्टर करवाएं। अगर कंसर्न्ड ऑफिसर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो सरकार का दायित्व बनता है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की ठीक जाए। इसी मामले की हम बात करेंगे। राजीव जी आप भी सुनिएगा, जिस तरह से सरकार ने जो एक्शन लिया, हालांकि कानून क्या कर रहा है, अदालत में क्या हो रहा है, वो अलग पक्ष है, उसको एक बार के लिए छोड़ेंगे, लेकिन सरकार ने जो किया कि प्राइवेट इसी स्कूल को 3 महीने तक सरकार की निगरानी में चलाया जाएगा, क्या ये काफी है या फिर ना काफी? ढिंगरा साहब देखिए, ये सारा सरासर जो है ना, इनकी गलत जो पुलिस की जो सारी उसमें रिपोर्ट थी या चेकिंग थी, या जिस तरह से उस कंडक्टर को अशोक को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया पुलिस के द्वारा, उसको मारा गया, ये सारी की सारी सरकार की नाकामी है बेसिकली। और आज तक कितनी महीने हो गए, आप ये बताएं कि कौन सा इस सरकार ने उनके ऊपर कोई एक्शन किया? आज भी कंडक्टर के जो घर वाले गाँव वाले वो डरे हुए हैं। वो कंडक्टर ने ये कहा कि मैं आज के बाद कभी किसी स्कूल में काम नहीं करूंगा, तो क्या उसको जस्टिस मिला? आप ये बताएं राजीव जेटली जी, आपने आज तक उसके साथ क्या काम किया? आप सिर्फ एक बच्चे की बात कर रहे हैं, वो बच्चे का इशू अलग है, लेकिन आप ये बताएं कंडक्टर का इशू क्या वो खत्म हो गया? आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई, सरकार इसका मतलब अपने घर चली गई, इस सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। कानून बनाने की आप बात करते हैं, हमने बनाए, अरे कानून आपने बनाया कौन सा ये तो बताएं। 3 साल में कोई कानून नहीं आया। आपको नहीं लगता कि मामला जितना गंभीर था सरकार ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया, तुलनात्मक रूप से, कि आरोपी जो माना गया राज्य पुलिस की ओर से, उसके साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, जिसकी ओर से ये बर्ताव किया गया, उस पर इतना कड़ा एक्शन नहीं लिया गया, या कहें कि अभी तक लिया ही नहीं गया? मैं डिंगला साहब को एक शॉर्टकट में समझा देता हूँ, ये बात समझ में आ जाएगी, अदरवाइज जो बात मैं कितनी भी लंबी डिबेट करूँ उनको समझ में नहीं आएगी। मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक क्लीन चिट किसी को नहीं मिली है, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो बच्चा हो। मेरी पूरी बात अभी बता रहा हूँ, मेरे को मेरी बात समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। क्लीन चिट नहीं मिली है, जो भी एक्यूज होते हैं जब तक वो गुनहगार साबित नहीं हो जाते, आप उनके खिलाफ ना तो आप उनको कोई रियायत दे सकते हो, ना उनके खिलाफ कुछ जा सकते हो। अगर आपको गलत लग रही है क्या? नहीं, मैं एक मिनट मेरी बात को लग रहा है कि पुलिस की मेरी पूरी बात सुनिए। अगर ऐसा ही मैटर होता तो एक्यूज्ड दो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता एक्यूज्ड हैं आज के केस में, 3 इनफैक्ट, राहुल सोनिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आप क्या डिगरा साहब कहते हैं इनको उठा के जेल में डाल देना चाहिए? अरे बताइए, आप डालिए ना, आपके हिम्मत है तो आप डालिए किसी को जेल में। तो पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये तो पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है किसी भी तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी ये हिम्मत है एक्चुअल में? आपको बीजेपी कांग्रेस दिखती है हर मामले? नहीं नहीं नहीं, अभी पक्ष में या विपक्ष में बात करने की बात नहीं है, अब बात ये है कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता था और आगे क्या होगा, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रद्युम्न मामले में। जी एक जो सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ एक माँ बाप ने अपना बच्चा खोया,
आज जिस माँ बाप ने अपना बच्चा खोया इतने साल पालने के बाद, हम इसके अंदर ना इसको राजनीतिकरण ना करें, हम इसका समाजीकरण करें। नहीं, सरकार क्या कर सकती, सरकार ये कर सकती है, जवाब भी है, सरकार है, उस पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकती सरकार। इस केस में ये कर सकती है कि जिस भी जांच को इन्होंने सीबीआई जांच के थ्रू कमियां निकाली, लेकिन जो गलत जांच हुई उसके ऊपर सीबीआई की जांच या कोई न्यायिक जांच बिठाई जानी चाहिए। अभी तक उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन साथ के साथ एक चीज ध्यान रखी जाए कि जब तक किसी को खुद चोट नहीं लगती, उसको दर्द का एहसास नहीं होता। अगर इतने सारे माँ बाप हैं, अगर अपने बच्चे को अगर कोई खोके ही दर्द पता चलना है तो उसका क्या फायदा है? फायदा तब है कि जब उस बच्चे को हम लोग जब खो चुके हैं उसका दर्द महसूस करें, और इस समय इसको एक चीज पे सोचें कि जो हो गया उसको हम कैसे, सबसे पहले उसको दर्द का कम कैसे करें, वो भी एक जरूरत है। जो गलत हुआ उसको ठीक करें, उसकी जांच करें, वो भी जरूरत है। लेकिन साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखें कि ये जो बच्चे आजकल बड़े हो रहे हैं, इन बच्चों को प्रॉपर एक ऐसा समाजीकरण के रूप में एक ऐसी सुविधाएं दी जाए, एक ऐसी उनकी काउंसलिंग हो। अभी हमारे देश में बच्चों का ब्लू व्हेल जैसा टेस्ट हुआ, एक नकारात्मक टेस्ट था वो, उसमें बहुत सारे अच्छे बच्चे भी शिकार बने। मैंने अपने बच्चे से पूछा उसमें कि तुम्हें ब्लू व्हेल से क्या समझ में आता है, वो कहता है ब्लू व्हेल तो कुछ नहीं है। मैंने थोड़ा और गहराई में गया, मैं कहा एक पिता होने के नाते मैं ये समझने की कोशिश की कि वो कितना इसको लेकर है। वो मुझे दो मिनट बाद बोलता है, जो इतना सुपर क्लास अच्छे जवाब दे रहा था, कह रहा पर पापा एक बात है कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो बंदा फिर मेरे को भी कुछ कर देगा या आपको कुछ कर देगा। मतलब स्कूल में बच्चे, 10 साल का बच्चा है मेरा, वो स्कूल में इस लेवल की बातें बच्चे आपस में करते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतनी बात सुन के चुप हो जाता मेरे बेटे से कि आदित्य आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा पापा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा नहीं कुछ होता। पर 2.5 मिनट लगाने के बाद पता चला कि परिस्थिति कुछ और थी, तो मैंने उसका आकलन किया, उसको विचारत किया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि कितने माँ बाप अपने बच्चों के लिए वो समय लगा पाएंगे, क्या स्कूल्स के अंदर कर रही कोशिश काफी है? स्कूल वाले, मैंने काफी विजिट किया जब प्रद्युमन का केस हुआ, उस दौरान काफी लोगों ने बातचीत भी की स्कूल में जाके, मैंने देखा माँ बाप ने जाके पूछा, लेकिन स्कूल वालों ने भी काफी किया। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये प्रक्रिया उस समय होकर बंद हो जानी चाहिए या वो आगे पूरी तरह चलनी चाहिए? बिल्कुल, बढ़ाई जानी जरूरी है। आगे बढ़ेंगे चर्चा में, हम जानेंगे गुरिंद्र पाल जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी प्रक्रिया हमने समझी कि जेजेबी किस तरह से काम करता है। इसी मामले की बात करेंगे कि मानसिक परिस्थिति देखी जाती है, टाइप ऑफ जो क्राइम्स हैं वो देखा जाता है, परिस्थिति बाकी क्या रही वो देखी जाती है। तो एक 16 साल 5 महीने का जो बच्चा है, जो आरोपी है इस मामले में, सिर्फ जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है उसको डिले करवा दिया जाए, एग्जाम्स को डिले करवा दिया जाए, तो उसकी मानसिक स्थिति को कैसे समझा गया इस मामले में? देखिए, जैसे कि पहले भी यहाँ कहा जा चुका है कि ये जुविनाइल जस्टिस बोर्ड एक व्यू बनाता है, अपना एक अपनी वो राय बनाता है कि ये जो बच्चा है इसका स्टेटस किस तरह का है, उसकी मैच्योरिटी का लेवल क्या है, क्या वो जो काम उसने किया है उसके वो उसके परिणामों के बारे में वो था, उसको पता था, या उसका मैंसरिया जिसे हमने कहा है, उसका गिल्टी माइंड क्या था और किस वजह से हुआ, ये सारी चीजें सोचने के बाद वो करता है। लेकिन यहाँ ना एक इशू और है जो पहले, जिसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हमारी संवेदनहीनता है ना समाज में, और उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना पुलिस में है। हम रोज देखते हैं, हमने सैकड़ों हजारों दसियों एटलीस्ट 4-5 हजार मुकदमे मैंने खुद पिछले 20-30 साल में करे हैं, जो उनमें मैंने देखा है कि मेरे पास ऐसे आज भी केसेस आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, मेरे दोस्तों के पास भी आते हैं, जिसमें एकदम नजायज केस बनाया जाता है फॉर अदर रीजंस। तो जो पुलिस प्रशासन की जो संवेदनहीनता है कि किसी व्यक्ति को बिठा के आप एक्यूज करते हैं, वो ये नहीं समझते कि चाहे उस पर आपने छोटा सा भी झूठा इल्जाम लगाया या गलत लगाया, वो उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उन लोगों के लिए बहुत दुखदाई होता है और बहुत ज्यादा हरासमेंट काज करता है। तो जो संवेदनहीनता है पुलिस प्रशासन में या प्रशासन में बड़े पैमाने पर, और वो जो समाज से पैदा हो रही है ना, इसको इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये जो कानूनी कार्रवाई है ना, कानून हर चीज का हल नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि यदि कानून हर चीज का हल होता तो जो पॉक्सो एक्ट बना है, और पॉक्सो एक्ट के तहत एक ऐसा, हमारे पास रोज मुकदमे आते हैं, हमें एक मुकदमा 17 साल 11 महीने की लड़की और 20 साल का लड़का है, उनका आपस में प्यार हो गया,
या प्यार होने के बाद इन खुदा ना खास्ता इफ लेडी द गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट तो रिजल्ट इज दैट ही विल गेट 10 इयर्स इंप्रिजनमेंट इन ऑल, कोई उसमें बचत भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्या वो फर्क पड़ा है पिछले 5-4 सालों में इस तरह के क्राइम में या इस तरह की सोच में? उस सोच के लिए जरूरी ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो फेयर तरीके से काम करे, समाज में जो जिन जिन लोगों का दायित्व है वो अपना दायित्व भी निभाए, और सरकार का सबसे जरूरी काम है कि यदि ऐसा कोई काम होता है तो उसको उस पर एक्शन इमीडिएटली ले और वेट मत करेगी, अभी आएगा टाइम फिर हम देखेंगे। जानेंगे आपसे, फिलहाल कोटला साहब आपसे जानने की हम कोशिश करेंगे। रोजाना बहुत सारे मामले आप देखते हैं, मुकदमे आप देखते हैं, एक अधिवक्ता होने के तौर पर क्या लगता है कि कम उम्र के जो अपराधी हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है? अगर हुआ है तो इस कानून में आगे चलकर और संशोधन किए जाने की जरूरत है कि अभी 16 कर दिया गया, आगे चल के ये 15 भी हो सकता है या 14 भी किया जा सकता है? डेफिनेटली इजाफा जरूर हुआ है इस तरह के ऑफेंसेस में, पूरे देश के अंदर इस तरह के ऑफेंसेस में अब बाढ़ आ गई है। कुछ देखो मीडिया भी विजिलेंट है, पहले मीडिया इतना विजिलेंट नहीं था, पहले पता भी नहीं लगता था इस तरह के क्राइम्स का, दब के रह जाते थे समाज के अंदर, कुछ रिपोर्ट भी नहीं करते थे। लेकिन अब मीडिया की वजह से लगा लो या अदरवाइज इस तरह के जो ऑफेंसेस के अंदर इजाफा हुआ है, और ये सारा इजाफा माँ बाप जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि 12 साल से लेके 21 साल तक के बच्चे की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वो ये वो एज होती है जब ये भी लगता है कि जिस तरह की परिस्थिति हो चली है समाज में कि बच्चे बालिग जल्दी हो जाएंगे मानसिक तौर पे, बौद्धिक तौर पर, कि ये उम्र आगे चल के और भी घट सकती है, जिस तरह से पहले घटाए जाने की जरूरत पड़ी। ये जो इंटरनेट है, मीडिया है, मोबाइल है, टीवी है जी, ये इस तरह से बच्चे का जो मेंटल स्टेटस है बहुत जल्दी ही इसको ग्रो कर देता है। मैं उस तरफ जा रहा था कि भी 12 साल से लेके 21 साल तक के बच्चे की केयर ज्यादा जरूरी है, और इस एज पे 12 साल के बाद जो है ना माँ बाप छोड़ देते हैं कि भी बच्चा हमारा बड़ा हो गया, वो अपनी केयर अपने आप करेगा। मैं ये मानता हूँ 12 से लेके 21 साल तक के बच्चे को अकेला छोड़ना या उसके साथ टाइम स्पेंड ना करना ये सबसे बड़ा अपराध है। बिल्कुल ठीक है साहब, सीबीआई पर भी दबाव अभी जरूर रहेगा क्योंकि आरुषि हत्याकांड की हम बात कर ले, जिस तरह की छवि निकल कर सामने आई थी। नहीं देखिए ये बात बिल्कुल सही है, सीबीआई पे दबाव तो रहेगा क्योंकि सीबीआई एक जांच एजेंसी है, वो काम कर रही है, लेकिन जो सरकार है ये इस मामले में कोई काम नहीं कर रही। इससे राजीव जेटली जी तो चलो सीधे सोनिया गांधी और उसके आ जाते हैं, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किस तरह का बयान दिया पिछले दिनों, उन्होंने कहा किसी सी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो 5 सी जो बताए उन्होंने, आप देख के इतनी सरकार को शर्मनाक होना चाहिए। उन्होंने कहा ना सीबीआई के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ना कोर्ट के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ना सीएजी जो है हमारी उसके ऊपर ध्यान देने की, ना कमीशन के ऊपर, ना विजिलेंस कमीशन के ऊपर। आप देखिए जो पूरी इंडिपेंडेंट सेंटर सरकार की 5 एजेंसियां हैं उसके ऊपर ये सरकार कहती है कि इनके ऊपर जांच, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यही मोदी जी का बयान था, यही खट्टर साहब का बयान था, तो किस तरीके से ये काम कर रही है सरकार, ये सब लोगों को समझ आ रही है। मोनिश जी, इस तरह के मामलों में समाज क्या कर सकता है, अभिभावक क्या कर सकते हैं, स्कूल क्या कर सकता है, और सरकार की जिम्मेदारी क्या हो सकती है कि काउंसलिंग करवाई जाए या बाकी कोई विकल्प हो? मैं बताना चाहूंगा सामाजिक एजेंसियों जैसे सामाजिक संस्थाएं हैं या स्कूल्स हैं और सरकार है, इनको मिलके काम करना चाहिए। इस तरह के पैनल बनने की नौबत ही ना आए अगर इस तरह के पैनल समाज में जाके काम करें। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी निःशुल्क पाठशालाओं में हमने बच्चों का एक मानसिक स्तर देखा। अभी आपने बताया कि बच्चों का मानसिक और बौद्धिक स्तर बहुत तेजी से विकास होता है, विकसित होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो बच्चा 12 साल में जितना वो विकसित होता है एक नॉर्मल परिवार का, वो अंडर प्रिविलेज कैटेगरी में, स्लम में, उस कैटेगरी में वो बच्चा 8 साल में डेवलप हो जाता है। उसके पास कोई इंटरनेट भी नहीं होता, आप बड़ी बात ये है। तो बात क्या है कि जो नेगेटिव परिस्थितियां हैं, नकारात्मक परिस्थितियां हैं या कम संसाधन वाली परिस्थितियां हैं, वो भी बौद्धिक तेज विकास करती हैं, लेकिन वो कई बार नकारात्मक भी होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात, पंचकुला जैसे शहर में और आसपास कई शहरों में, बड़े शहरों में की बात कर रहा हूं, छोटे की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां पे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। एक सर्वे बोलता है, एक बड़ी एक संस्था है उसका सर्वे बोलता है कि हमारे देश में 50% से ज्यादा बच्चे थोड़ा जल्दी 10वीं पास नहीं कर पाते। तो इस वजह से समाज के अंदर जो आने वाली परिस्थिति है वो क्या होगी, वो कौन से लोग होंगे, वो बच्चे पढ़े लिखे लोग जो 16 साल 5 महीने के बच्चे ने जैसे कांड किया है उस तरह के बच्चे, और प्लस वो बच्चे जो स्कूल तक पूरी तरह नहीं पढ़ाई कर पाए। तो कहने का मतलब उनकी संख्या कम हो जाएगी जो पढ़े लिखे और सभ्य हैं।
राजीव जेटली जी, क्या सरकार, फिर आप कहेंगे कि सुनिश्चित सरकार ही कैसे करे हर एक बात को, मैं आखिरी जवाब आपसे लेना चाहूंगी, क्या सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि राज्य पुलिस पर भरोसा पूरा रहे, हर एक मामले में सीबीआई जांच की मांग ना की जाए, हालांकि जांच का विषय है आप ये भी कह सकते हैं। नहीं, मैं इस बात को बहुत दुखद बताता हूँ कि जो भी हुआ, जो भी हादसा हुआ उसमें अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की हमारी सेट होती है। हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, गवर्नमेंट आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को मार्क करती है जी। और ये एक प्रथा है जिससे कोई अलग हटके बात नहीं कह सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी सरकार में गवर्नमेंट में ये एजेंसी नहीं करती थी, एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती थी। हाँ। लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक ऑन दिस, मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ कि जो भी अधिकारी चाहे अंडर प्रेशर, सरकार तो प्रेशर डालेगी, सरकार इसलिए प्रेशर डालेगी क्योंकि न्याय होना चाहिए उस बच्चे के साथ, मासूम बच्चे के साथ। अगर उसने कहीं अनियमितताएं बरती हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, किसी भी तरीके की गुंजाइश हम नहीं छोड़ेंगे ऐसे किसी भी अधिकारी के फेवर में जिसने अगर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अनियमितता बरती होगी। चलिए, शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में बनी रहने के लिए, वक्त देने के लिए। तो हमने बात की गुरुग्राम के प्रद्युम्न मर्डर मामले की, जिसमें जो आरोपी है 16 साल 5 महीने जिसकी उम्र है, जेजेबी ने उसे बालिग माना है, उसी के तहत पूरा मामला ये चलेगा, मुकदमा चलाया जाएगा, उसी के तहत सजा दी जाएगी। क्या इस तरह की सजा मिलने से जो अपराध हो रहा है जिसमें उम्र एक बड़ा जरिया है, बड़ा कहीं एक पहलू है, क्या उन पर रोक लग पाएगी, क्या सरकारी सुरक्षा दे पाएंगी खासतौर पर निजी स्कूलों में, इसको लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।